एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहसी योद्धा नामक युवक रहता था। उसका नाम विक्रम था। वह जंगल के अनजान कोने को खोजने के लिए प्रेरित था। उसने सुना था कि वहां एक पुरानी मंदिर है जिसमें खजाना छिपा है। विक्रम ने अपने योद्धा बल और साहस से भरी आंखों से उस मंदिर की खोज की। उसने अंधेरे जंगल में साहसिकता का सामना किया, लेकिन वह कभी नहीं हारा। अंत में वह उस पुरानी मंदिर के द्वार पर पहुंचा। मंदिर में प्रवेश करते ही वह हैरियर को एक विचित्र और भयानक राजा की मूर्ति ने संबोधित किया। राजा ने विक्रम को एक उत्तेजित कथा कही जिसमें उसके अनेक साहसिक कारनामे शामिल थे। उसने विक्रम को एक चुनौती दी कि वह मंदिर की गहराई में छिपे खजाने को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करे। विक्रम ने राजा की चुनौती स्वीकार की और मंदिर की खोज शुरू की। वह अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए मंदिर के गहराई में पहुंचा। वहां उसने एक पुराना संदूक खोजा जिसमें अनमोल रत्नों और धन की भरमार थी। विक्रम ने खजाने को संबोधित किया और उसे सुरक्षित राजा के समक्ष पहुंचाया। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और उसे एक वीर पुरस्कार से सम्मानित किया। इस राजसी कार्य के बाद विक्रम को जंगल में एक महान साहसिक और योद्धा के रूप में माना गया। उसके साहस और वीरता की कथाएं जंगल के हर कोने में फैल गई। वह एक असली योद्धा था जिसने अपने साहस और धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया और उसे जीत लिया।